आहा इंस्पेक्टर, मेरी बहन का पल्लू क्या गिरा? बरसात की तरह पैसा गिरा। तुम ठीक कहता था, इस गांव में बहुत पैसा है। इसीलिए वैशाली का प्रोग्राम यहाँ फिट किया हूँ गजेंद्र। अब हम एक एक अमीर का तिजोरी खाली करवा दूंगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? खाकी वर्दी जिसका साथ, पावर उसका साथ। आया मैं अरे। पहले हम पंगा नहीं लेना, धमकी मत देना, हड्डी तोड़ दूंगा, मुंडी मरोड़ दूंगा। कौन है? हम है मिल्लूपुर का बड़ा जमींदार। हम है चिल्लूपुर के छोटे जमींदार। उम्र में हार आपके गले में है तो आइए ना। हम आ रहे हैं। नाच देख लिया, अब क्या देखने आए हो? पहनाने आया हूँ। क्या अंगूठी पहनाऊं? पहनाओगे कैसे, जगह तो नहीं है। मैं जगह बना लूंगा। हा? मैं पैरों में पहना दूंगा। अच्छा, नाप ठीक नहीं हुआ तो? मैं ट्राई करूंगा। बाहर आ, फ्राई करूंगा। तुम्हारी मर्जी, तो जल्दी पहना दो ना। मगर पैर किधर रखूं? इधर। पहनाओ ना। आ, 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 दुखता है क्या? सॉरी। वैशाली, ये अंगूठी तो शगुन है। मैं मेरा घर बार, मेरी जायदाद, मेरा पैसा सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। अच्छा, लेकिन वैशाली, तुम ये गांव छोड़कर जाना नहीं। हम दोनों लपचिकी 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 लपचिकी। अरे मैं अरे अरे रे रे रे, ये तो छूते ही पुतला होगा। वाह, आगे का करेगा? अरे हमका मौका मिले हम तो हड्डी तोड़ दूंगा। ए, तुम बारो। राजू। ओहो तूफान मेल, कहाँ की तैयारी है? राजू, मुझे तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलना है। ले चलो ना अभी अपने गांव। अभी? हाँ। ना बाबू ना, बहुत काम है मुझे। राजू प्लीज, हम लोग फटाफट आएंगे। ओ, टाइम नहीं मेरे पास, बहुत काम है मुझे। नारियल बाजार पहुँचना है, खेत जाना है मुझे। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। ये कल्लू। हाँ भैया। क्या कर रहा है? भैंस को ठीक से पानी पिला। इसको जल्दी से रख के आ जा। अच्छा भैया। राजू। हाँ जी जी। देखो, तुम सब काम छोड़ दो और फौरन हमारी बहन को अपनी माँ बाप से मिलवाने ले जाओ। जी जी जी। जल्दी। हाँ, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। ज्योति। क्या है? चल, तुझे माँ बाप से मिलने गाँव जाना था ना, चल। नहीं, हम लोग फिर कभी चलेंगे। तुम्हें खेत जाना है, नारियल बाजार पहुँचाना है, बहुत काम है ना तुम्हें। अरे काम तो जिंदगी भर होते रहेगा। चल, जीजा जी ने बोला है, अब तो चलना ही पड़ेगा। जीजा जी के बच्चे। अरे कुछ नहीं, चल। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया, राजू को बहुत दिनों से अपने माँ बाप की याद आ रही थी। राजू? तो इसने कहा चल, तो मैंने कहा भी चल। है ना? जीजा जी, क्या आप अभी अभी आए? हाँ, क्यों? देखो ना जी, ये आपकी आवाज बनाकर मुझे बुद्धू बना रही है। ये चाहती है कि मैं इसे गांव लेके जाऊं। अब कैसे लेके जा गांव? अब कितना काम पड़ा यहाँ पर। भैया देखो ना, मैं राजू के माँ बाप के लिए शहर से कुछ प्रेजेंट्स लाई हूँ। कितने दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। भैया प्लीज कहो ना इसे चले। ठीक है राजू, जाओ मगर जल्दी आना। आप कहो तो जाता ही नहीं। जाओ चलो। थैंक यू भैया। ओके चल। ज्योति, तुम मेरे माँ बाप के लिए तोहफा लाई और मेरे लिए? तुम्हें तो ऐसा तोहफा दूंगी कि जिंदगी भर झूमते रहोगे। समझ गया। तुम मेरे बैलों के लिए बड़े बड़े मोतियों वाला हार लाई हो ना। बुद्धू, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। क्यों? ओफो, कुछ समझता ही नहीं है। हाँ, तुम में बहुत समझ है। नदी पार करके 10 मिनट में पहुँच जाते, छोटा रास्ता छोड़कर लंबे रास्ते पे ले आई। लंबे रास्तों में लंबी बातें हो सकती है। प्यारी, मीठी, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। साइकिल क्यों रोक दी राजू? बस
अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम आगे आके बैठो। क्यों, पीछे कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा निकल रही धीरे धीरे। आओ बैठो। अच्छा ठीक है चल। अब क्या हुआ राजू? तुम उतरो। बताओ ना। हुआ ये कि गांव आ गया है, पैदल चलते हैं। पैदल? हाँ पैदल। आगे बढ़ने में कितना मजा आ रहा था। वो मजा तुमको आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था, मेरी हवा टाइट हो रही थी। अब चलो। राजू राजू कोल्ड ड्रिंक चलो पीते हैं। अरे रुक ज्योति, ये कोल्ड ड्रिंक पे पैसा क्यों बर्बाद करती है, घर जाके छाछ पिलाता हूँ ना। तुम तो एकदम कंजूस हो, मक्खी चूस। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं दूर की सोचने वाला हूँ, STD समझी। जब कोई जमींदार आएगा तेरा हाथ मांगने के लिए तो वो 2 करोड़ मांगेगा, जब कोई डॉक्टर आएगा वो 1.5 मांगेगा, और अगर तू कोल्ड ड्रिंक पर ऐसा पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे, ठेंगा? I am इंटेलिजेंस। अच्छा तो तू मेरे लिए दुल्हा लाएगा, देखती हूँ। ये ले लड्डू। देखो जी हमारी ज्योति कितनी बड़ी हो गई है ना। इसके भी हाथ पीले करने का समय आ गया। पर शादी की उम्र तो राजू की भी हो गई है ना, आप लोग उसकी शादी क्यों नहीं करते? अरे वो हमारी सुने तब ना, जब बात छेड़ो तो भाग जाता है। ऐसे कैसे चलेगा, इस साल उसकी शादी जरूर होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। सुनो जी लड़की ढूंढो। लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो तैयार है। कौन सी लड़की तैयार है? आप तैयारी करो, लड़की तैयार हो जाएगी, किसी ना किसी रिश्तेदारी में लड़की मिलेगी ना। हमारे रिश्तेदारों में ऐसी कौन सी लड़की है बाबूजी? कोई दूर के रिश्ते में, कोई करीब के रिश्ते में, और आपकी बेटी के रिश्ते में। हमारी बेटी के रिश्ते में ऐसी कौन है जी? होगी बाबा, शहर में पढ़ने के लिए गई होगी और पढ़ाई खत्म करके लौट आई होगी और शादी के लिए तड़प रही होगी। समझ गया। कौन कौन है जी? अरे हमारी बेटी है ना, उसी के गांव में मास्टर दीनानाथ की बेटी की बात कर रही है ये, है ना बेटा? बाबूजी उस काली कलूटी की शादी हुए 3 साल हो गए और 6 बच्चे भी दिए। हाय दया, 3 साल में 6 बच्चे? हाँ साल में 2 दिए। बेटा तुम किस लड़की की बात कर रही हो? ओफो, आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? ज्योति ज्योति तू इधर बैठी है, चल। बेटा क्या तेरा आना और क्या तेरा जाना। माँ गले लगू। माँ बाबूजी पाया लागू। जी तेरा बेटा, जी तू चल। अरे बेटा इस थैले में क्या है? बाबूजी ये दूधी और बैंगन के बीज है, यहाँ पे मंडी में अच्छे मिलते ना तो मैंने खरीद लिए। अच्छा अच्छा वहाँ के लिए, वहाँ के लिए। तू उठ और चल। अरे बेटा कुछ खा तो ले। नहीं माँ, दीदी मेरा वहाँ पे खाने पे इंतजार कर रही होगी। बेटा अपनी माँ के हाथ सीखने वाला तो खा ले। चल ठीक है खिला दे। ये ले। बाबूजी माँ खाने पीने में इतना टाइम लगा दिया इसलिए मैं इस घर में नहीं आता हूँ। बेटा ये तो तेरा ही घर है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये तो मेरा ही घर है। चल खिला दे इसी बात पे एक और लड्डू। ये और दीदी के लिए। ये ले तेरी दीदी के लिए। ज्योति बेटी मेरा बेटा तुम्हारे घर क्या गया, अपने इस घर को तो भूल ही गया। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं इसे ऐसा याद करवा दूंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चल बढ़िया याद दिलाने वाली, पकड़ पकड़ अपनी भाभी के लिए। अच्छा माँ बाबूजी चलता हूँ मैं। अच्छा बेटा आते रहना बेटे। अरे मैं कंजूस मक्खी चूस नहीं हूँ, मैं दूर की सोचने वाला हूँ, STD समझी। जब कोई जमींदार तेरा हाथ मांगने के लिए आएगा तो वो 2 करोड़ मांगेगा, जब कोई डॉक्टर आएगा तो वो 1.5 मांगेगा, और अगर तू ऐसे कोल्ड ड्रिंक पे पैसा बर्बाद करेगी तो हम उसे क्या देंगे, ठेंगा? On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.